वेलकम टू अनदर लर्निंग एपिसोड विद कोड कैट 15. दिस इज योर होस्ट रवि. आज के सेशन में हम डिस्पैच सेमाफोर को एक्सप्लोर करेंगे. लेट्स बिगिन विद व्हाट इज डिस्पैच सेमाफोर. डिस्पैच सेमाफोर डिस्पैच फ्रेमवर्क का एक पार्ट है और इसीलिए इट बिगिंस विद द वर्ड डिस्पैच, सेम लाइक डिस्पैच वर्क आइटम और डिस्पैच ग्रुप. सेमाफोर एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है विजुअल सिग्नल्स. इन विजुअल सिग्नल्स में फ्लैग या किसी टाइप के सिग्नल सिस्टम का यूज होता है. जैसा आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा जहां एक पर्सन दोनों हाथों में फ्लैग लेके पायलट से कम्युनिकेट कर रहा है, या फिर आपने ट्रेन ट्रैवल करते वक्त आपने कुछ इस तरीके से कुछ सिग्नल्स देखे होंगे. इवन अ ट्रैफिक लाइट इज अ काइंड ऑफ सेमाफोर. सो सेमाफोर मीन्स कि किसी टास्क के लिए सिग्नल देना. अब ये तो हुआ इन जनरल डेफिनेशन की सेमाफोर क्या है. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट सेमाफोर मीन्स इन प्रोग्रामिंग, एंड फॉर दैट लेट मी गिव यू अ कोडकैट 15 एग्जाम्पल. लोकल ट्रेन या मेट्रो से हम सभी ने कभी ट्रैवल किया है, एंड लेट्स अज्यूम दैट हमारी जो ट्रेन है विल कॉल इट ट्रेन ए, वो आने वाले स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 पे रुकने वाली है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन को बीच में ही कुछ मिनटों के लिए रोक दिया जाता है, एंड दिस इज बिकॉज प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ऑलरेडी एक ट्रेन है, एंड लेट्स कॉल दिस ट्रेन ट्रेन बी. नाउ दिस बेसिकली मीन्स कि प्लेटफॉर्म 1 अभी बिजी है और इसी वजह से बाकी के ट्रेन को वेट करना पड़ेगा. जब ट्रेन बी प्लेटफॉर्म छोड़ती है तब रेलवे इंजीनियर्स हमारी ट्रेन को ग्रीन सिग्नल देंगे कि अभी प्लेटफॉर्म खाली है, अब आप प्लेटफॉर्म 1 पे रुक सकते हो. अगर मान लो कि रेलवे इंजीनियर्स ने सिग्नल नहीं दिया होता हमारी ट्रेन को और प्लेटफॉर्म 1 पे ऑलरेडी एक ट्रेन होती, तो उस केस में देर कुड हैव बीन अ वेरी बिग एक्सीडेंट. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स वी हैव सिग्नल्स, और शुड आई से सेमाफोर्स. अब इस एग्जाम्पल के जरिए हमने दो चीजें सीखी है. वन इज व्हाट आर सेमाफोर्स एंड द अदर इज अ रेस कंडीशन, एंड लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ. इस एग्जाम्पल में जो दो ट्रेन है वो थ्रेड्स हैं, लेट्स कॉल देम थ्रेड ए एंड बी. जो प्लेटफॉर्म 1 है वो है रिसोर्स, जैसे कोई वेरिएबल, डेटाबेस या कोई फाइल. अब ये दोनों थ्रेड को कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस रिसोर्स पे, जैसे दे मे वॉन्ट टू रीड, राइट और डिलीट सम रिकॉर्ड्स. अब इसे ट्रेन के एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करें तो जो रिसोर्स है इट्स ऑक्यूपाइड बाय थ्रेड बी. अगर दोनों थ्रेड्स को हमने एक साथ एक रिसोर्स को एक्सेस करने दिया तो क्या होगा? देर विल बी एन एक्सीडेंट, राइट? इस एक्सीडेंट को प्रोग्रामिंग में रेस कंडीशन कहते हैं, जहां दो थ्रेड्स एक साथ एक रिसोर्स को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं. सेमाफोर यूज करके हम ऐसे रेस कंडीशन से बच सकते हैं. इस रेस कंडीशन को हम डेमो के वक्त डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे. हमारे एग्जाम्पल में जो रेलवे इंजीनियर्स हैं वो ये चेक करते हैं कि अगर प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी एक ट्रेन है तो उस प्लेटफॉर्म पे आने वाली नेक्स्ट ट्रेन को ये सिग्नल सेंड करना है कि आपको थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि प्लेटफॉर्म अभी बिजी है और यहाँ पे ऑलरेडी एक ट्रेन है. एंड वंस द रिसोर्स इज फ्री तो नेक्स्ट थ्रेड को ये सिग्नल दिया जाता है कि नाउ यू कैन गो अहेड एंड यूज द रिसोर्स. और मान लो इस बीच अगर कोई और थ्रेड आता है जिसे इस रिसोर्स का यूज करना है, तो उस केस में अगेन जो रेलवे इंजीनियर है वो उस थ्रेड को वेट सिग्नल सेंड करेगा, इंडिकेटिंग दैट द रिसोर्स इज बिजी एंड नॉट फ्री. इस पूरे सिनारियो में जो काम रेलवे इंजीनियर्स कर रहे हैं वही काम प्रोग्रामिंग में हमारे लिए सेमाफोर करता है. सो सेमाफोर इज एन ऑब्जेक्ट दैट कंट्रोल्स द एक्सेस ऑफ द शेयर्ड रिसोर्स. अगर एक थ्रेड ने रिसोर्स ऑक्यूपाई करके रखा है तो सेमाफोर मेक श्योर कि दूसरा थ्रेड तब तक वेट करे जब तक पहला थ्रेड उस रिसोर्स को फ्री न कर दे. सो दैट बीइंग सेड लेट्स स्टार्ट द डेमो ऑफ डिस्पैच सेमाफोर. लेट मी गिव यू अ कोड वॉक थ्रू. यहां पे मैंने बैंकिंग सिस्टम के मनी विड्रॉल प्रोसेस को मॉक करने का ट्राई किया है. और हम बैंक से दो तरीके से कैश निकाल सकते हैं, या तो वी कैन यूज दी ATM या फिर हम डायरेक्टली बैंक में जाके कैश निकाल सकते हैं. इस मनी विड्रॉल प्रोसेस को मॉक करने के लिए मैंने एक प्रोटोकॉल क्रिएट किया, दैट इज दी बैंकिंग प्रोटोकॉल, जिसके पास एक फंक्शन है दैट इज विड्रॉ अमाउंट. हमने एक कस्टम एरर भी बनाया है, दैट इज विड्रॉल एरर विच इज हैविंग अ केस कॉल्ड एज इनसफिशियंट अकाउंट बैलेंस. इस पूरे प्रोसेस में जो कॉमन वेरिएबल चेंज होगा वो होगा अकाउंट बैलेंस. इफ यू लुक एट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द विड्रॉ अमाउंट, तो यहाँ पे आई हैव जस्ट एडेड डीबग प्रिंट, दैट इज इट इज इनसाइड द ATM. और यहाँ पे हम लोग एक गार्ड स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं जो सबसे पहले ये चेक करेगा कि इफ द अकाउंट बैलेंस इज ग्रेटर देन द अमाउंट दैट यू वांट टू विदड्रॉ, एंड इफ इट इज तो गो अहेड एंड डू द ट्रांजैक्शन. लेकिन अगर मान लो यहाँ पे जो अमाउंट है, लेट्स से यूजर ने अमाउंट यहाँ पे 50,000 एंटर की, लेकिन जो अकाउंट बैलेंस है आपका वो है 30,000, तो उस केस में हमारा जो कस्टम एक्सेप्शन है वो थ्रो होगा. यहाँ पे ये जो थ्रेड डॉट स्लीप है ये इंटेंशनल है, और ये क्यों है ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा. बैंक के केस में भी द कोड इज प्रेटी मच द सेम. द ओनली थिंग दैट चेंजेस इज दिस डीबग प्रिंट मैसेज. लेट मी स्क्रॉल बिलो. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी ATM का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है जहां से मैं 10,000 रुपीज विड्रॉ करने का ट्राई कर रहा हूँ, एंड इन द केस ऑफ बैंक मैं 25,000 रुपीज विड्रॉ करने का ट्राई कर रहा हूँ. सो लेट्स रन द एप्लीकेशन एंड सी व्हाट हैपेंस. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्योंकि यहाँ पे ATM को सबसे पहला कॉल था तो वी आर इनसाइड द ATM. ATM का withdrawal was successful and the new account balance is 20,000. Now we are inside the bank, which is this guy. और inside the bank you can see हम लोगों ने 25,000 rupees withdraw करने का try किया. लेकिन क्योंकि अभी हमारा नया account balance is 20,000,
तो उस केस में बैंक विड्रॉल फेलियर हुआ, दैट इज ये जो एक्सेप्शन है ये ट्रिगर हुआ है। एंड इसीलिए यहां पे आप मैसेज देख सकते हो कि द अकाउंट बैलेंस इज लेस देन द अमाउंट यू वांट टू विड्रॉ, ट्रांजैक्शन कैंसल्ड। अब ये तो हुआ नॉर्मल सिनारियो। चलिए अब एक ऐसा सिनारियो क्रिएट करते हैं जहां पे दो थ्रेड्स एक साथ हमारे अकाउंट बैलेंस को अपडेट करने का ट्राई करते हैं, तो उस केस में देखते हैं क्या होता है। सो लेट मी क्लोज दिस ओवर हियर। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लेट क्यू इज इक्वल्स टू डिस्पैच क्यू, लेबल इज गोइंग टू बी सेमाफोर डेमो, QoS is utility, Q.async, I'll cut this और यहाँ पे I'll paste it, Q.async again, so इसे कट करते हैं। There is one last thing that I need to do. Attributes. We are going to use a concurrent queue. हम यहाँ concurrent queue इसलिए use कर रहे हैं ताकि दो threads at the same time हमारे account balance variable को access कर सकें, so that हम ये देख सकें कि race condition की वजह से क्या problem आ सकते हैं। So now if I run the application, let's see what happens. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि inside ATM और inside bank दोनों एक साथ print हुए थे। So as per this transaction, our new account balance is negative 5000. Now let me explain कि ये negative balance कैसे आया। हमने ये देखा कि दोनों thread एक साथ execute हुए because inside ATM और inside bank statement एक साथ print हुए थे। The next is the guard statement जो ये check करेगा कि जो amount आपको withdraw करनी है क्या वो account balance से less है, और अगर वो less है तो ही आपको आगे जाने दिया जाएगा, वरना हमारा custom exception throw होगा। Previously हमने जब इस code को run किया था बिना किसी concurrent queue के तब सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब हम एक कॉन्करेंट एनवायरनमेंट में हैं और कॉन्करेंट एनवायरनमेंट में सारे ऑपरेशंस एक साथ स्टार्ट होते हैं, और अब दो थ्रेड्स हमारे रिसोर्स को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं। तो दोनों थ्रेड्स क्योंकि एक साथ एक्सिक्यूट हो रहे हैं तो दोनों ने एक साथ इस गार्ड स्टेटमेंट को भी एक्सिक्यूट किया। हमारे सिनारियों में ATM से हम निकाल रहे हैं 10,000 और बैंक से हम निकाल रहे हैं 25,000। गार्ड स्टेटमेंट कंपेयर करता है ग्लोबल वेरिएबल से जो है अकाउंट बैलेंस, जिसकी करंट वैल्यू है 30,000, और क्योंकि 30,000 इज ग्रेटर देन 10 एंड 25,000 तो गार्ड स्टेटमेंट की कंडीशन पास हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा डिले इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने थ्रेड स्लीप का यूज किया था, लेकिन आप उसे रिमूव कर सकते हो इफ यू लाइक, बिहेवियर सेम रहने वाला है। हमारे केस में सबसे पहले ATM ने अकाउंट बैलेंस से 10,000 डिडक्ट किए हैं, जिसकी वजह से न्यू अकाउंट बैलेंस 20,000। ATM के बाद होता है बैंक का ट्रांजैक्शन, लेकिन अब अकाउंट बैलेंस 30,000 नहीं है, इट्स 20,000। सो 20,000 माइनस 25,000 इज अ नेगेटिव 5,000। सो बेसिकली वी आर गेटिंग अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, एंड दिस इज बिकॉज दोनों थ्रेड ने हमारे रिसोर्स यानी हमारे वेरिएबल को एट द सेम टाइम एक्सेस किया एंड वी गॉट अ नेगेटिव बैलेंस। सो ये है रेस कंडीशन एंड दिस इज व्हाट आई मेंट बाय गेटिंग अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। सो लेट्स यूज अवर रेलवे इंजीनियर, दैट इज अवर सेमाफोर, टू सॉल्व दिस। सो लेट मी क्लोज दिस ओवर हियर। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज लेट सेमाफोर इज इक्वल्स टू डिस्पैच semaphore and the value is going to be 1. Value over here stands for maximum concurrent operation, yani at a time kitne thread ek saath ek resource ko access kar sakte hain. Is use case ke liye I will give it the value 1. Hamara jo railway engineer hai wo do type ke signal deta hai. One is wait and the other is basically a green signal. Wait signal isliye kyunki jo resource hai wo busy hai. Hamare case mein jo global variable hai that is the account balance, wo hamara resource hai. और अभी के केस में उसे दो थ्रेड एक साथ एक्सेस करने का ट्राई करेंगे, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन कि अगर दोनों थ्रेड ने एक साथ एक्सेस किया तो उस केस में रेस कंडीशन होती है एंड देन वी गेट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। सो जैसे ही एक थ्रेड हमारे रिसोर्स का एक्सेस करता है तो वी कैन यूज द वेट फंक्शन ऑफ सेमाफोर ओवर हियर। सो विल से सेमाफोर डॉट वेट, एंड वेन वी आर डन विद द रिसोर्स तो उस केस में वॉट वी कैन डू इज वी कैन गिव अनदर सिग्नल विच इज सेमाफोर डॉट सिग्नल, और ये जो सिग्नल फंक्शन है वो ग्रीन सिग्नल की तरह काम करता है, विच मीन्स जो हमारा अकाउंट बैलेंस वेरिएबल है वो अब फ्री हो चुका है एंड एनी अदर थ्रेड हु वांट टू यूज दैट वेरिएबल कैन यूज इट। सो वेट ओवर हियर बेसिकली मीन्स कि इस थ्रेड के अलावा और कोई दूसरा थ्रेड हमारे ग्लोबल वेरिएबल या फिर शेयर्ड रिसोर्स को यूज नहीं कर सकता, एंड सिग्नल बेसिकली मीन्स वी आर डन विद द रिसोर्स, और जो दूसरा थ्रेड है वो अब इस रिसोर्स को यूज करना चाहे तो यूज कर सकता है।
अ गुड प्रैक्टिस ओवर हियर इज कि अगर लेट्स से इन कैच ब्लॉक में अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो उस केस में इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू फ्री अप द रिसोर्स. सो यू कैन यूज सेमाफोर डॉट सिग्नल ओवर हियर एंड द सेम थिंग ओवर हियर. और ये जो सेम सीक्वेंस है हम लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे. सो आई विल राइट सेमाफोर डॉट वेट एंड देन वंस वी आर डन विल राइट सेमाफोर डॉट सिग्नल. अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो उस केस में सबसे पहले हम रिसोर्स को फ्री करेंगे. एंड दैट इज सेमाफोर डॉट सिग्नल. आपने रिसोर्स को कहीं पे भी ब्लॉक नहीं करना चाहिए. बी वेरी केयरफुल कि आप वेट और सिग्नल कहां ऐड कर रहे हो. सो नाउ लेट्स गो अहेड एंड रन द एप्लीकेशन. सो अभी सेमाफोर यूज करने के बाद आप देख सकते हो कि कोई रेस कंडीशन नहीं हो रही है एंड द एप्लीकेशन इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड. सो अगर आपके सामने ऐसा कोई सिनेरियो आता है जहां मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ एक शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं तो उस केस में वी कैन यूज सेमाफोर्स बिकॉज वो रेस कंडीशन होने नहीं देंगे. इस डेमो को देखने के बाद यू मे थिंक कि डिस्पैच सेमाफोर आर ग्रेट और वो रेस कंडीशन को बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं. लेकिन सेमाफोर के दो ट्रेड ऑफ या यू कहो तो ड्रॉबैक्स हैं एंड दे आर डेडलॉक एंड प्रायोरिटी इन्वर्जन. इन दोनों ड्रॉबैक को मैं दो वीडियोस में डिवाइड करूंगा बिकॉज दे हैव देयर ओन कॉम्प्लेक्सिटीज टू डील विद. आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना इसे अपने iOS ग्रुप के साथ और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना विद दी बेल आइकन सो दैट आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आए. दैट बींग सेड दिस इज रवि. आई विल सी यू नेक्स्ट वीक. बाय बाय.